नमस्कार, खबर 24 एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाएं आमजन को सहज उपलब्ध होनी चाहिए। उन्होंने कार्य में कोताही बरतने वाले पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने ये निर्देश बुधवार को अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान गुरुकुल संस्थान सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेते हुए दिए। बैठक के दौरान जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी एवं श्री चंद कृपलानी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार वागड़ क्षेत्र में विकास के लिए विशेष प्रयास कर रही है, ऐसे में प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी पूरी गंभीरता, जिम्मेदारी के साथ सेवा भाव से काम करें। बैठक में उन्होंने विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा कर प्रगति की भी जानकारी ली। बैठक के प्रारंभ में जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने जिले में क्रियान्वित योजनाओं, राजस्थान राइजिंग समिट, बड़े प्रोजेक्ट आदि की प्रगति की जानकारी दी। मुख्यमंत्री भजन लाल ने स्थानीय उद्योग को बढ़ावा देने, क्षेत्र की भूगोल की स्थिति, पैदावार के अनुसार उद्योग विकसित करने तथा स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध हो सके, इस हेतु प्रयास करने के निर्देश दिए। पीडब्ल्यूडी विभाग की समीक्षा के दौरान अधीक्षण अभियंता ने बताया कि 1233 प्रस्ताव भेजे थे, जिसमें से 514 स्वीकृत हुए हैं और उनके टेंडर हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने समस्त कार्यों को तय समय अवधि में गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखते हुए पूर्ण करने के निर्देश दिए। AVNL विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारी ने जिले में कुसुम योजना के अंतर्गत 11 प्रोजेक्ट लगाने और सूर्य घर के अंतर्गत 82 कनेक्शन होने एवं अन्य कार्य प्रगतिरत होने की जानकारी दी। इस पर मुख्यमंत्री ने सूर्य घर योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करने और अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी आमजन को जागरूक करने के निर्देश दिए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान जिले में मौसमी बीमारियों की जानकारी लेते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, उप स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर दवाइयों की पूर्ण उपलब्धता रखने, चिकित्सक, चिकित्सा कर्मी एवं ANM की मौजूदगी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। PHED विभाग की समीक्षा के दौरान जल जीवन मिशन के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने सिंचाई विभाग अधिकारी को क्षेत्र में भौगोलिकता को देखते हुए ऐसी योजना बनाकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, जिससे हर खेत तक पानी पहुंच सके। बैठक में उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने और अपने कार्यालय को भी घर की तरह साफ सुथरा रखने, कार्यालय में पहुंचने वाले हर व्यक्ति का कार्य सेवा भाव के साथ प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में IGS परिमाला, जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह, जिला पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारीगण मौजूद रहे। इस अंक में फिलहाल इतना ही, अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।